पंजाब के तरनतारन में एक 55 साल की महिला को अर्धनग्न करके घुमाया गया। कितने शर्म की बात है। और ये घटना 31 तारीख की है और ये पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सारे गांव को पता था, सारे इलाके को पता था, क्योंकि पंजाब में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रही। पंजाब में ड्रग माफिया का राज है, शराब माफिया का राज है, खनन माफिया का राज है। एमएलए सीधे पैसे लेते हैं, पुलिस का कोई भी किसी भी तरीके का कानून व्यवस्था पे कोई पकड़ नहीं रहेगी। और ऐसा पंजाब का हालात बन चुके हैं कि एक महिला को अर्धनग्न करके घुमाया जाए गांव के अंदर और कोई पुलिस मुकदमा और कार्रवाई करने को तैयार ना हो। ये पंजाब की स्थिति है। जहां मैं इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, वहीं मैं कांग्रेस के, इंडिया अलायंस के लोग, खासतौर से सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, ममता बनर्जी जी, मैं इन सबसे पूछना चाहता हूं, क्या अब आपको पंजाब याद नहीं आ रहा? आपको मणिपुर याद आता था? क्या मणिपुर और पंजाब में ये अंतर है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार और मणिपुर में बीजेपी की सरकार है? क्या उस औरत का ये कसूर है कि जिस स्टेट में वो रहती है वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है? आज आपको ना उस औरत का दर्द दिखाई दे रहा है, ना एक माँ का दर्द दिखाई दे रहा है, ना ही एक औरत की इज्जत लज्जा तार तार होती दिखाई दे रही है। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। आप गंदी राजनीति करते हैं, लेकिन जब औरत को जरूरत पड़ती है आपकी, तो आपके मुंह फेविकोल से बंद हो जाता है। पंजाब के तरनतारन में एक 55 साल की महिला को अर्धनग्न करके घुमाया गया। कितने शर्म की बात है। और ये घटना 31 तारीख की है और ये पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सारे गांव को पता था, सारे इलाके को पता था, क्योंकि पंजाब में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रही। पंजाब में ड्रग माफिया का राज है, शराब माफिया का राज है, खनन माफिया का राज है। एमएलए सीधे पैसे लेते हैं, पुलिस का कोई भी किसी भी तरीके का कानून व्यवस्था पे कोई पकड़ नहीं रहेगी। और ऐसा पंजाब का हालात बन चुके हैं कि एक महिला को अर्धनग्न करके घुमाया जाए गांव के अंदर और कोई पुलिस मुकदमा और कार्रवाई करने को तैयार ना हो। ये पंजाब की स्थिति है। जहां मैं इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, वहीं मैं कांग्रेस के, इंडिया अलायंस के लोग, खासतौर से सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, ममता बनर्जी जी, मैं इन सबसे पूछना चाहता हूं, क्या अब आपको पंजाब याद नहीं आ रहा? आपको मणिपुर याद आता था? क्या मणिपुर और पंजाब में ये अंतर है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार और मणिपुर में बीजेपी की सरकार है? क्या उस औरत का ये कसूर है कि जिस स्टेट में वो रहती है वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है? आज आपको ना उस औरत का दर्द दिखाई दे रहा है, ना एक माँ का दर्द दिखाई दे रहा है, ना ही एक औरत की इज्जत लज्जा तार तार होती दिखाई दे रही है। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। आप गंदी राजनीति करते हैं, लेकिन जब औरत को जरूरत पड़ती है आपकी, तो आपके मुंह फेविकोल से बंद हो जाता है।